उज्जैन से करीब 10 किलोमीटर दूर चंदूखेड़ी गांव में रहने वाले किसान की बेटी की तमन्ना थी कि वह डॉक्टर बने। माता पिता और सास ससुर ने पढ़ाई में मदद की तो घर की बहू डॉक्टर बनी और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के दांत का इलाज किया। उज्जैन के करीब 10 किलोमीटर दूर गांव में रहने वाले किसान संजय सिंह अंजना जो चंदूखेड़ी गांव के निवास करते हैं, किसान की बेटी ज्योति अंजना ने अपने माता पिता को इच्छा जताई कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माता पिता अपनी बेटी की बातों को सुना और उनकी पढ़ाई में सहयोग किया। वहीं ज्योति की शादी पास ही के गाँव रामगढ़ में निवास करने वाले गोपाल सिंह के पुत्र से हो गई। बेटी माता पिता के घर से ससुराल चली गई। ससुराल में भी बहू ने इच्छा जताई और उसकी इच्छा को मानते हुए पढ़ाई में सहयोग किया और वर्षों की मेहनत सफल हुई और बहू ज्योति डॉक्टर बन गई। सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के दांत का उपचार किया। अब एक बेटी एक बहू डॉक्टर बन जाने के बाद माता पिता और ससुर बेहद खुश हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसका सहयोग रहा और किस प्रकार से आप समाज देश और राष्ट्र के लिए काम करना चाहती हैं? ये सब पूरा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे ससुर जी, मतलब मेरे दोनों घर, मेरे अपने पापा का घर भी और मेरे इन-लॉज का घर भी, उन दोनों के पूरा 100% सपोर्ट से मैं आज तक इस जगह पे आई हूँ। और मैं अपना हर काम पूरी निष्ठा से करूँगी, पूरा डेडिकेशन से करूँगी, अपना हर 100%। और मैं चाहती हूँ कि अपनी कास्ट में, हमारी आंचल कास्ट में जो जो लड़कियाँ अभी पढ़ रही है वो सब भी कुछ ऐसा करें इस जगह तक आने में, और अगर मुझसे जो हेल्प होगी वो मैं पूरी करूँगी। गौरव की बात है कि एक बेटी एक बहू ने इस मुकाम को पाया है शिक्षा हासिल करके, किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, पढ़ाना माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब अपने बेटे बेटियों को, सबसे ज़्यादा बेटियों को अगर स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो माँ बाप को इतना रहता है कि यार हमारी बेटी जा रही है। अगर बेटी जब उसमें जाके निकल के अगर कोई पढ़ाई करके अगर आज डॉक्टर बनी, तो हमारे संजय पटेल साहब चंदूखेड़ी और माननीय गोपाल सिंह जी ने एक की बेटी और एक की बहू दोनों ने मिला के समन्वय बना, शादी होने के बाद भी इन लोगों ने समन्वय बना के आज जिस मुकाम पे पहुंचा, समाज का, इनके परिवार के और इनके माता पिता का हम सब बहुत आभारी हैं। और इसीलिए आज सारे हम यहाँ इकट्ठे हुए, हम चाहते हैं कि गाँव से निकल के अगर ऐसे पढ़ाने के अगर इच्छुक होंगे तो देश में हमारे सभी भाइयों का भला होगा। हम जाते अभी तक देखते थे कि शहर के बेटियों पढ़ती थी, हम हिम्मत नहीं करते थे, आज इन्होंने हिम्मत करी तो दूसरे हमारा को भी हौसला बुलंद होगा कि यार हमें हमारी बेटी को पढ़ाए। तो हमें ऐसी आशा है कि सभी माता पिता अपनी बेटियों को और बेटे को पढ़ा के आगे पहुँचाएँ, अच्छे मुकाम पर डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी है, कलेक्टर, IAS, IPS भी बन सकते हैं। इसी मेरी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।